हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल आर्ट अगेन। नए नए आइडियाज और पैटर्न्स के लिए मेरे चैनल सोल आर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, इस हफ्ते का थीम है कॉलेज बैग्स। और इस हफ्ते हम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी या तो यूनिसेक्स कॉलेज बैग कैसे बनाना है वो सीखेंगे। और इस बैग की बात करें तो इस बैग में हमने हिडन पॉकेट्स बनाए हैं। और ये जो कपड़ा है, ये हमने इस तरह का किचन टॉवल यूज किया है। और ये जो किचन टॉवल है वो आपको किसी भी हैंडलूम स्टोर में मिल जाएगा। और ये कॉटन का रहता है और थोड़ा उसका थिकनेस ज्यादा रहता है। और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रिंट भी आपको मिल जाते हैं। तो मैं बिल्कुल वक्त जाया नहीं करूंगी और शुरू करते हैं आज का बैग बनाना। इसमें मैं कॉम्बिनेशन में कपड़ा यूज करूंगी। ये मैंने दो टुकड़े लिए हैं जो हमारे मेन पीस रहेंगे। और ये भी कैनवास का कपड़ा है, थोड़ा जाड़ा है, तो आज इसमें हम कुछ भी स्पंज, अस्तर या कोई भी मीडियम नहीं यूज करेंगे। इसे डायरेक्टली हम यूज करेंगे क्योंकि ये जीन्स के कपड़े जैसा थोड़ा सा मोटा कपड़ा है। तो इस तरह से 15 इंचेस बाय 13 इंचेस, 15 इंच बाय 13 इंच के हम ये दो टुकड़े लेंगे। और उतने ही मेजरमेंट के मैंने ये जो मैंने आपको किचन टॉवल बोला था उसका मैंने उतने ही मेजरमेंट के दो टुकड़े लिए हैं। ये उसी मेजरमेंट के हैं, 15 इंचेस बाय 13 इंचेस, 15 इंच बाय 13 इंच। और ये हमने और दो पीस लिए हैं, ये अलग अलग दो पीसेस हैं। इसका मेजरमेंट है 13 इंच बाय 8.5 इंच, 8.5 इंचेस बाय 13 इंचेस के दो पीस। और इस तरह से एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया है, तो इसका भी मेजरमेंट अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस बाय 13 इंच, 6 इंच बाय 13 इंच का है। उसी के साथ हमें मैग्नेटिक बटन की जरूरत पड़ेगी और 7 इंच बाय 5 इंच की एक पट्टी भी लगेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 बाय 13 इंचेस के जो दो पीस है हमारे, उन दोनों पीसेस पे हमें एक ओर से पॉकेट्स तैयार करने हैं नीचे की तरफ। उसके लिए 6 इंच बाय 13 इंच की जो पट्टी मैंने ली है उसे मैं दोनों ओर से यहां से फोल्ड कर दूंगी। उसके बाद 5.5 इंच में मार्किंग करके यहां पे 5.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। और इसके बीचों बीच, मतलब 3.25 इंच पे मैं एक वेलक्रो का टुकड़ा जोड़ दूंगी। उसके बाद 5.5 इंच से अगले 5.5 इंच पे हमें ये जिप जोड़नी है। तो उसके लिए ये मैंने एक जिप का टुकड़ा काट लिया है जो कम है, 4 इंच का ही मैंने जिप का टुकड़ा काट लिया है। और उसे मैं दोनों ओर से टैक्स लगाऊंगी। ये बीच में जिप रखनी है सीधी और दोनों तरफ, और इस तरह से फोल्ड करके उस पे स्टिच कर देना। तो ये एक ओर से टैप लग गया और यहां पे उसी तरीके से इस ओर भी लगा देना है। और अब इस टैप को दोनों ओर से हमें बंद कर देना है इस तरह से। और अब इसे यहां पे रख के डायरेक्टली हमें उसे स्टिच करना है इस तरह से। और अब हम यहां पे एक फ्लैप तैयार करेंगे इसके ऊपर डालने के लिए। तो मेजरमेंट करके मैंने अंदाजे से ये पट्टी काट ली है इस तरह से। देखिए ये पट्टी इस तरह से आएगी हमारी यहां पे। तो
अब पहले हमें यहाँ पे बीच में उसे वेलक्रो जोड़ना है, तो मैं वो मार्किंग कर लेती हूँ सिर्फ। तो ये मैं सिंगल कर लूंगी और यहाँ पे आधा हिस्सा वेलक्रो का जोड़ दूंगी। तो ये वेलक्रो का आधा हिस्सा मैं बीचों बीच यहाँ पे रख के उसे चारों ओर से स्टिच कर लूंगी। और अब ये यहाँ पे फोल्ड करके हमें यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ओर उसे सी देना है और इसे सीधा करेंगे इस तरह से। और अब ये सब पॉकेट्स हमने जो 15x13 इंचेस का जो पार्ट लिया था उसकी एक और यहाँ पे हम जोड़ेंगे उसे इस तरह रख के। और अब ये जो वेलक्रो का हिस्सा है मैं इस पे सेट करूंगी कि वो सिलाई में ना आए। और अब सिलते वक्त इसे सिर्फ इस तरह से फोल्ड करके जोड़ देना है ये इस कपड़े पे। और ये जो हमारा पॉकेट है उसे जोड़ते वक्त हमें नीचे से 1.5 इंच का गैप छोड़ना है और मैं यहाँ पे यहां तक ही स्टिच करूंगी। और जहां तक हमारा जिप का हिस्सा आ रहा है वहां तक ही यहाँ पे सिलाई करनी है। और फिर ये सिलाई यहाँ पे सीधी आएगी, फिर यहाँ पे उसको जिप जोड़नी है और फिर ये यहाँ पे सीधी आएगी। फिर ये हमारा एक जिप का पॉकेट बन गया यहाँ पे, जिसमें आप पैसे और कॉइन्स रख सकते हो। और एक यहाँ पे और एक हमारा पॉकेट बनेगा, ये यहाँ पे मैं फोल्ड करूंगी उसे ऊपर से और यहाँ पे स्टिच कर दूंगी, तो ये फ्लैप भी हमारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉकेट हमारा हो गया, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा बाद में। ये एक हमारा फ्लैप का पॉकेट, ये एक जिप का कॉइन्स वगैरह रखने के लिए पॉकेट, यहाँ पे पेंस रखेंगे तो अंदाजे से हमें उतना एक ही बीच में यहाँ पे एक स्टिच कर देनी है। तो ये दो पॉकेट्स यहाँ पे पेंस रखने के लिए हमारे हो जाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पे मैं उसे नजदीक लेके देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैं उसे एक वॉल्यूम दूंगी और यहाँ पे एक स्टिच, यहाँ पे नीचे से सिलाई नहीं करनी है और एक देखिए बीच में एक सिलाई दोनों के। अब ये जो हमारे सब पॉकेट्स है उसे हमें पूरे पॉकेट से एक कवर करना है। इस तरह से मैं उसे पूरा कवर करूंगी ताकि हमारे ये जो पॉकेट्स है वो अंदर की तरफ हो जाए और एक यहाँ पे बड़ा सा पॉकेट हमें दूसरा लगाना है। तो ये जो हमारा पॉकेट है इसे मैं पहले जिप लगाऊंगी। जिप जोड़ने के लिए मैंने सिंगल रनर का जिप लिया है और दोनों ओर से मैंने टैग्स लगा दिए है उसे और मैं दोनों ओर से इसे इस तरह रखूंगी और दाग सिलाई करते वक्त हमें इसे पूरा फोल्ड करना है इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से ये जो जिप का हिस्सा है सीधा ही रखना है और इस तरह से हमें उसे फोल्ड करना है। और इसी तरीके से हमने जो दूसरा उतने ही मेजरमेंट का पीस लिया है उसे हम दो रनर वाला जिप जोड़ेंगे और उसे भी मैंने टैग लगा दिए हैं। तो उसी तरीके से हमें इसे भी जिप जोड़नी है। और अब ये जो हमारे पॉकेट्स बने हैं उसके ऊपर ये जो सिंगल जिप वाला हिस्सा है उसे हमें जोड़ना है। उसे जोड़ने के लिए हम इस तरह उल्टा उसे रखेंगे
सिर्फ हमें मेजरमेंट लेना है कि कितना यहाँ पे ऊपर हमें ये लेना है और यहाँ पे हमें उसे स्टिच करने हैं। और ये पॉकेट हमारा इस तरह से लगेगा ताकि ये हमारी जो जिप है वो इनविजिबल है, दिखनी नहीं चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पे हम उसे स्टिच करके जोड़ देंगे। और अब जिस तरह से ये हमारा इनविजिबल पॉकेट लग गया है उसी तरीके से ये जो हमारा दूसरा पॉकेट हमने तैयार किया है उसे भी, ये जो दूसरा पीस है उसके ऊपर जोड़ना है और उसी तरीके से रखना है, फिर इस तरह से उल्टा करके यहाँ पे स्टिच सीधी तरह से। और अगर चाहिए तो यहाँ पे बीच में एक स्टिच, तो ये दो पॉकेट्स बनेंगे, इसीलिए हमने दो रनर डाले हैं बीच में, तो यहाँ पे एक बीच में स्टिच, फिर यहाँ पे और दोनों ओर से हम उसे सी देंगे, तो ये यहाँ पे भी दो इनविजिबल पॉकेट्स बन गए। और अब हम इन दोनों पीसेस पे बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए इसके मैंने 26 इंचेस बाय 4 इंचेस के दो पीसेस लिए और इस तरह से बीचों बीच पहले फोल्ड किया और एक एक इंच का फोल्ड करके फिर एक इंच फोल्ड करके फिर यहाँ पे दोनों ओर से स्टिच करके मैंने बेल्ट तैयार कर लिए। अब ये जो हमारे बेल्ट है उसे हम यहाँ पे बीचों बीच जोड़ लेंगे दोनों ओर से, इसे मिडिल का मार्किंग करके हम इसके बीचों बीच ये बेल्ट जोड़ देंगे। दोनों बेल्ट में 5 इंच का गैप रहेगा तो 2.5 इंच पे दोनों ओर से मैं मार्किंग कर देती हूँ और हम बीच में उसे बेल्ट जोड़ेंगे। अब हम बीच में उसका फ्लैप तैयार करेंगे। फ्लैप तैयार करने के लिए 7 इंच बाय 4.5 इंच की मैंने एक पट्टी ली है और बीच में उसे फोल्ड किया है और उसे मैं एक और अब मैग्नेटिक बटन जोड़ूंगी और इसीलिए मैंने मिडिल पे उसका मार्किंग कर दिया है और बटन का एक हिस्सा इस तरह का यहाँ पे लगेगा। उसके लिए जहां पे हमारा फोल्ड है वहां पे मैं ये लगा देती हूं ये जो कपड़ा है वो काफी उसका मोटापन है उसे, फिर भी आप चाहे तो उसे एक्स्ट्रा अंदर से थोड़ा पैडिंग लगा सकते हैं। इस तरह से बीचों बीच बटन लगने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे यहाँ पे और अब सिर्फ यहां से और यहां से स्टिच होगी और हम उसे सीधा करेंगे। अब इसे हम सीधा करेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा उसे कर्व शेप दे दिया है। और अब हम इसके ऊपर दाब सिलाई कर देंगे। ये इस तरह से फ्लैप हमारा तैयार हो गया है और जहां पे हमने दो पॉकेट्स तैयार किए हैं उससे हम पीछे से, मतलब वो हमारा पीछे का हिस्सा है तो उसे हम मिडिल में मार्किंग करके ये फ्लैप यहाँ पे स्टिच करके जोड़ देंगे। और फ्लैप जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि बटन का हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई दे। अब इन दोनों हिस्सों को हमें एक दूसरे के ऊपर जोड़ देना है इस तरह रख के। और अब हम साइड से 3 ओर से उसे जोड़ देंगे
और अब हम यहां पे उसे इस तरह से बेस तैयार करेंगे। यहां पे अंदाजे से 1.25 इंच का बेस काफी हो जाएगा इसे, तो यहां से 1.25 इंच और यहां से 1.25 इंच इतना ही बेस हमें उसे देना है। तो ये हमारा बाहरी बैग अब तैयार है। यहाँ पे हम जिप नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम ये कॉलेज बैग बना रहे हैं, तो यहाँ पे बुक्स रखने के लिए आसानी हो जाए इसके लिए हम यहाँ पे अंदर की तरफ कोई भी जिप नहीं जोड़ेंगे, इसीलिए हमने बाहर से इतने सारे पॉकेट्स तैयार किए हैं। अब हम इसकी अंदर की बैग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने उतने ही मेजरमेंट की लाइनिंग के लिए ये जो हमारे किचन टॉवल से उसका पीस काटा था, ताकि अंदर की तरफ भी उसके जैसा ही ये नजर आए, तो इसे भी मैं उसी की तरह सी दूंगी। और यहां से 1.25 इंच का बेस करके उसे मैं बेस भी दे दूंगी, जिस तरह से हमने पहले बैग को दिया था। ये बैग सिलने के बाद ये जो हमारा बैग है पहला, उसे हम सीधा करेंगे। और ये बैग हम इस बैग में डाल देंगे, बेल्ट अंदर रहेंगे और ऊपर से हम उसे सी देंगे एक दूसरे के ऊपर। और जहां पे हमने फ्लैप जोड़ा है उसके फ्लैप के अपोजिट साइड में 5 इंच का गैप हम रखेंगे, ताकि हम इस बैग को सीधा कर सके। और यहां से पूरा गोल यहां तक हम उसे सी देंगे। और अब ये बैग हम यहां से सीधा करेंगे। ये जो अंदर का बैग है हमारा, वो हम यहाँ पे बाहर अलाएंगे। अब हम इसे अंदर की तरफ सेट करेंगे और ऊपर की तरफ हमें इसे स्टिच करके दाब सिलाई करके बंद कर देना है। पर उससे पहले ये जो हमारा एक बटन बाकी है लगाने का, वो हम पहले लगाएंगे। और ये लगने के बाद ऊपर दाब सिलाई करके हमारा बैग पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉलेज बैग बनके हमारा तैयार है। यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक बटन दिया है ताकि हम इसमें बुक्स रख सके, और इसे मैंने अंदर से कोई भी पॉकेट नहीं दिया है। आप इसमें बुक्स रख सकते हैं या अलग भी कोई पानी का बॉटल वगैरह रख सकते हैं। और ये जो हमने इनविजिबल पॉकेट्स दिए हैं, इसके अंदर में हमने 2 हिडन पॉकेट्स बनाए हैं, और ये पेन के लिए भी पॉकेट्स हमने 2 तैयार किए हैं। तो और यहाँ पे आप अपने पैसे रख सकते हैं, या कॉइन्स या आईडी कार्ड जो भी है। यहाँ पे आपका सैनिटरी नैपकिन रहेगा एक, यहाँ पे तो वो दिखाई भी नहीं देगा। और इस तरह से एक एक्स्ट्रा पॉकेट आपका ये ऊपर से भी है, जिसमें आप और भी रुमाल वगैरह अगर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके एक्स्ट्रा पॉकेट्स भी यहाँ पे बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अंदर कोई पॉकेट नहीं दी है, पर यहाँ पे जो पॉकेट्स है, जो हिडन पॉकेट्स हमने बनाए हैं, वो आपके फायदे के है। तो अगर आपके घर में कोई भी कॉलेज गर्ल है तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद बैग है। अगर ये कैनवास का कपड़ा आपके पास नहीं है तो इसके जगह पे आप जीन्स का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बैग बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक देना ना भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं फिर एक बार आऊंगी कुछ नया लेके, तब तक थैंक यू।